थैंक यू मेरे लिए इसे इजी बनाने के लिए। तो निंकी तुमने किसको पिक किया? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे मुझे बताओ तो। चलो हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। मुझे सिर्फ 30 marks मिला है, ये कितना बुरा है। पर एटलीस्ट तुम्हें 0 तो नहीं मिला। गाइस गेस व्हाट, मैंने अपने टीचर को चूज किया है, हूँ ना मैं जीनियस। तुम पागल हो क्या? उनकी क्लास कितनी बोरिंग होती है। एक सेकंड, मेरी मम्मी मुझे कॉल कर रही है। हेलो मिंकी, अभी का अभी घर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आती हूँ। क्या हुआ मिंकी? उसे जाना होगा। क्या हुआ मम्मी? किसी ने तुम्हारे भाई को चूज किया है। क्या, किसने? हमें अभी तक पता नहीं चला है कि वो कौन है, हम उस लेटर का ही वेट कर रहे हैं। मैं देखती हूँ। क्या ये वही मेल है? मिंकी बताओ मुझे कि तुम्हारे भाई को किसने चूज किया है। मैंने। क्या, तुमने अपने भाई को मरने के लिए चूज किया? रुकिए, आप समझ नहीं रही हैं, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो तुम्हारा भाई है, वो चाहे जो भी करे तुम उसे मरने के लिए चूज नहीं कर सकती। क्या आप सीरियस हैं? हाँ, और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फाइन, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं साबित कर सकूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। मिंकू की डायरी, ये रही। चलो देखते हैं कि तुमने हम सबसे क्या क्या राज छुपा कर रखे हैं मेरे भाई। क्या ये उन लोगों की लिस्ट है जिसके साथ उस मिंकी? मैंने तुमसे यहाँ से जाने के लिए कहा था ना, तुम्हें वो नहीं देखना चाहिए था। क्या आपको पता था? नहीं तो मेरा मतलब है, हाँ कुछ हद तक। आपने इतनी बड़ी चीज हम सबसे छुपा कर रखी, क्या वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है या ऐसा कुछ? सच कहूँ तो हाँ। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं होता। मिंकी रुको, प्लीज मुझे माफ कर दो, इसे बचा कर रखिए। मिंकी कहाँ जा रही हो तुम? क्या लगता है आपको? मैं इस डायरी को लेकर पुलिस के पास जा रही हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा कभी ना करती। क्यों, क्या करेंगी आप? मुझे रोकेंगी? तुरंत उस बुक को फेंको। वो क्या, आप सीरियस हैं? दरवाजे के पास से हटो। मम्मी क्या आपको सच में नहीं दिखता कि मिंकू क्या कर रहा है? वो आपको भड़का रहा है और आप उसकी बातों में आ रही हैं। वो जो भी कर रहा है वो बहुत गलत है। पर वो मेरा बेटा है। बेटा हो चाहे जो हो, पर उसने जो किया है वो बहुत गलत है और उसके उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, बस उसे कुछ होना नहीं चाहिए। उससे कुछ नहीं होगा मम्मी, आई प्रॉमिस। बस मुझे एक बार इस डायरी को पुलिस के पास लेकर जाने दीजिए। नहीं विंकी, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और जो उसने आज तक इतनी सारी लड़कियों के साथ किया, वो क्या वो गलत नहीं है? और अगर मेरे साथ किसी लड़के ने ऐसा किया होता तो क्या फिर भी यही बोलते कि मिंकी उस क्रिमिनल को जाने दो? मिंकी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जल्दी से जाओ और पुलिस को सब सच सच बता दो। थैंक यू सो मच मम्मी। इतनी जल्दी क्या है? मिंकू उस गन को नीचे फेंक दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। मम्मी आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। बिल्कुल चुप हो जाओ रॉकी, जो काम आज मिंकी करने जा रही है वो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। अच्छा तो ये बात है, अफसोस अब मुझे तुम दोनों के साथ भी वही करना होगा जो मैंने डैड के साथ किया। डैड के साथ? तुमने डैड के साथ क्या किया था? उनका तो कार एक्सीडेंट हुआ था ना। बिल्कुल भी नहीं, उन्हें मेरे बारे में सब पता चल गया था तो ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें मारना पड़ा था, क्योंकि वो भी तुम लोगों के जैसे मुझे पुलिस के हवाले कर देने की रट लगा रहे थे। तुम इंसान नहीं जानवर हो। गुड बाय मेरी प्यारी बहन और मॉम। 3, 2, 1। वहीं रुक जाओ। निंकी तुम ठीक तो हो ना? सिया चलो हमारे साथ, छोड़ो मुझे। पर रिया बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं और मिंकी खतरे में हैं? वो आंटी, बात दरअसल ये है कि कल रात को गलती से सही पर मिंकी का कॉल मुझे लग गया था और वो हमेशा की तरह खुद से बात कर रही थी और उसी वक्त उसने ये सब बोला। और आज सुबह से जब मिंकी का कुछ पता नहीं चल रहा था तो मुझे डाउट हुआ और मुझे यही करना सही लगा। थैंक यू सो मच रिया बेटा, अगर आज तुम ना आती तो पता नहीं क्या होता।